उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में आए दिन हत्या, लूट और दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दबंगों ने आपसी विवाद के चलते देश की रक्षा करने वाले एक जवान की हत्या कर दी। दरोगा को भेजिए ना, कहां है? आपको बता दें कि पूरा मामला श्रावस्ती जनपद के थाना इकोना के भगवानपुर बनकट का है, जहां इलाहाबाद में सेनानायक के पद पर तैनात जोगिंदर गोस्वामी अपने घर छुट्टी पर आए हुए थे। यहां 5 मार्च को कुछ दबंगों ने उनके परिवार के साथ विवाद किया और इस दौरान आपसी कहासुनी के चलते दबंगों ने फौजी की जमकर पिटाई कर दी और उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में लखनऊ के कमांड हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी कल यानी 10 मार्च को मौत हो गई। वहीं फौजी की मौत के बाद सेना के जवान पूरे सम्मान के साथ आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव लेकर आए, जहां जवान को पूरे शहीद सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जहां घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई करते हुए मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी एक आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। थाना इकोना के भगवानपुर बनकट में गोसाई समुदाय के 2 पक्षों में दिनांक 5 मार्च को घटना हुई थी, जिसमें आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी, जिसमें सिर में चोट आई थी। उसमें एक जवान जिसका नाम जोगिंदर गोस्वामी है, वो अवकाश पे आया था, वो फौज में है, उसकी जो है इलाज के दौरान कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में कल डेथ हो गई है। अंतिम संस्कार कर दिया गया है, जिसमें नामजद 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, शेष 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। वहीं ये घटना एक बार फिर पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि अगर देश की रक्षा करने वाला जवान ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए श्रावस्ती से दुर्गेश शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।